है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग। अब बात करते हैं कि इसके लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। गले में इरिटेशन हो सकती है, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा डर था कि पापा के ना जॉइंट में काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन है और पेन। हे गाइस, हाय, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। एक्चुअली मैंने ओजीवा के काफी सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट किया है एंड पर्सनली मैंने रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उन वीडियोस के नीचे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ओजीवा का जो न्यू लॉन्च है दैट इज ओमेगा मल्टी, उसके ऊपर वीडियो शेयर करने के लिए उसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, या फिर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सब कुछ शेयर करने के लिए। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ उसका जो डिटेल रिव्यू है मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने 15 टू 20 डेज के ऊपर हो गया है, मैं इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रही हूँ एंड मेरे अभी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है इस प्रोडक्ट के साथ। ऑल्सो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है वो भी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, मतलब ये जो ओजीवा प्लांट बेस्ड ओमेगा मल्टी है, इसको परचेज करने से पहले, इसे कंज्यूम करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऑल्सो आप नीचे कमेंट मुझे कर सकते हैं क्योंकि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। कोई भी क्वेरी है जस्ट आप कमेंट कीजिए, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ आपके कमेंट का। सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ओमेगा मल्टी या ओमेगा एक्चुअली है क्या। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल फैटी एसिड है, विच मींस कि वो हमारे बॉडी में जनरली प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हमें उसे एक्सटर्नली अपने डाइट के थ्रू लेना पड़ता है क्योंकि वो एसेंशियल है, मतलब नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, बट वो हमारे बॉडी में जैसे कि मैंने कहा कि वो प्रोड्यूस नहीं होता, इसी वजह से हमें अपने डाइट के थ्रू ओमेगा को लेना चाहिए। इस कैप्सूल को मेन, विमेन और चिल्ड्रन अबाव द एज ऑफ 10 इयर्स ले सकते हैं, और अगर आप कोई दूसरा मेडिकेशन ले रहे हैं तो ओजीवा का ये ओमेगा मल्टी और दूसरे मेडिकेशन में 2 आवर्स का गैप होना जरूरी है। अब क्या है कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेना पड़ेगा, क्यों हम लोग ओमेगा डाइट के थ्रू नहीं ले सकते। एक्चुअली ओमेगा का जो मेन सोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा फिश होता है, जो मछली है, मछली होती है, फिर सी फूड्स होते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा नॉन वेज आइटम्स में पाए जाते हैं। तो लेकिन जो वेजिटेरियन है या फिर जो लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए ओमेगा जो लेना है एक्सटर्नली अपने डाइट के थ्रू वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में तो ओमेगा बहुत ही कम मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन वीगन डाइट में आपको ओमेगा ना के बराबर मिलता है अपने डाइट के थ्रू। दैट्स व्हाई आप उस टाइम सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं इस तरीके का। जैसे कि मैंने काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी अपने इंटरव्यूज में बोलते हुए सुना है, या फिर जो लोग फिटनेस में है, जो लोग हार्ड कोर फिटनेस में है, तो वो लोग भी ओमेगा सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो मुझे भी काफी ज्यादा फैसिनेशन थी ओमेगा नाम पर, क्योंकि आई नो बीइंग अ फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टूडेंट, आई नो कि ओमेगा हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपने डाइट के थ्रू ओमेगा को लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा डर था कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ओमेगा सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो कि प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम लोग लेते हैं तो कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस किस चीजों से बना होता है या फिर उसे बनाने के टाइम क्या क्या चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मुझे कुछ एक ट्रस्ट वर्दी ओमेगा सप्लीमेंट चाहिए था जिसे मैं भी कंज्यूम कर सकती हूँ और अपने फैमिली को भी मैं दे सकती हूँ। ओमेगा के और भी कई सारे सोर्सेस है अदर देन फिश जो वेजिटेरियन डाइट में आप ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड, कनोला ऑयल, चिया सीड्स, लेकिन ये सब जो सीड्स वगैरह है ना, ये इसमें बहुत ही कम मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ये आप डेली बेसिस पर जितनी क्वांटिटी भी आप लेंगे ना उससे आपको इनफ नहीं होगा, आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन मार्केट में कई सारे ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि फिश ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो फिश ऑयल मतलब क्या, वो तो फिर नॉन वेज में ही चला गया। तो अगर आप वेजिटेरियन है या फिर आप वीगन डाइट करते हैं, तो फिर भी आप अगर मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपको नॉन वेज ही ऑप्शंस मिल रहे हैं। बट बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने देखा कि ओजीवा इज द ओनली प्लांट बेस्ड ओमेगा मल्टी सप्लीमेंट इन इंडिया, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं, इसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, K2, MK7, सो ऑल दीज गुड इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस वन कैप्सूल। ओमेगा अगर आपको पता है तो ओमेगा 2 टाइप्स के होते हैं, जो फैटी एसिड है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज DHA, अनदर इज EPA।
दोनों ही आपको इस कैप्सूल में मिलेगा 200 mg की क्वांटिटी में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज टोटली वीगन, मतलब प्लांट बेस्ड होने के साथ साथ वीगन भी है, तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वीगन आप सभी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे लेने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर वन फायदा इज दैट कि वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीजेस है उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है, एंड अगर आपको हार्ट अटैक्स के चांसेस है तो वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ऑल्सो ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, इनफैक्ट डिप्रेशन को ये काफी हद तक रिड्यूस करता है, फिर अगर आपकी काफी ज्यादा टेंशन में है तो भी ये रिड्यूस करता है उसे, और आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, कूल एंड काम रखता है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है। ऑल्सो ओमेगा आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजीवा प्लांट बेस्ड ओमेगा मल्टी के अंदर जैसे कि नाम सजेस्ट इट्स मल्टी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं, मैंने जैसे कहा विटामिन्स भी है और भी कई सारे इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कि इसके अंदर जो वीगन ओमेगा 3 है वो हमारे अगर जॉइंट में पेन है या फिर इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस करता है। जैसे माई फादर, मेरे पापा के ना जॉइंट में काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन है और पेन भी है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट काफी हद तक काम कर रही है। ऑल्सो प्लांट विटामिन्स है इसके अंदर जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्ट्रेस को फाइट करता है और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है। तो मैंने इसे बेसिकली, मैं भी इसे लेती हूँ, मेरे पापा भी लेते हैं, तो मुझे जो फील हुआ है पर्सनली, मेरे जॉइंट वगैरह में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है बट मेरी इम्यूनिटी काफी ज्यादा लो थी। मैं इम्यूनिटी बूस्टर, ओजीफा का जो इम्यूनिटी बूस्टर है उसे मैं डेली बेसिस पर लेती हूँ। दैट्स मतलब हमारे घर में इतने सारे डिब्बे हो गए हैं ना इम्यूनिटी बूस्टर के, क्योंकि हर मंथ हमें वो लेना, एक खरीदना पड़ता ही है, इतना जल्दी वो खत्म होता है, हम सभी उसे लेते हैं। और उसके साथ साथ मैंने इसे भी लेना स्टार्ट किया है क्योंकि दिस इज जस्ट वन कैप्स्यूल, तो ये लेना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ऑल्सो इसे लेने से ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा बूस्ट अप हुआ है, क्योंकि अभी वेदर चेंज जो सीजन है, अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, इस टाइम जनरली मुझे सर्दी जुकाम होता रहता है बट अभी उतना ज्यादा मैं नहीं फेस कर रही हूँ। आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दिस मेरी इम्यूनिटी थोड़ी सी इम्यूनिटी हाई हुई है। ऑल्सो इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो कि बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है हमारे ब्रेन फंक्शन, हमारे हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर कोई ऐसे हार्श हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ये सोय फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नॉन जीएमओ है। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट फॉर्मूला बेटर हार्ट, ब्रेन और स्किन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आपको डेली एक कैप्स्यूल लेना है, आप अपने लंच या डिनर के 30 मिनट्स बाद एक कैप्स्यूल ले सकते हैं। अगर आपकी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो आप लंच या डिनर से पहले आप इस कैप्स्यूल को लीजिए। एक कंटेनर में 30 कैप्सूल आपको मिलेंगे, तो अगर आप हर रोज एक कैप्सूल लेते हैं तो 30 डेज मतलब एक महीना चलेगा एक कंटेनर। बाकी मार्केट में जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल है उससे ओजीवा का ये ओमेगा मल्टी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अब बात करते हैं कि इसके लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जनरली जो मार्केट में ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो नॉनवेज सोर्स से आता है, तो उससे क्या है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में इरिटेशन हो सकती है, ऑल्सो स्वेट से भी काफी ज्यादा बैड ओडर आता है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर थोड़ा सा जीआई ट्रैक्ट रिलेटेड मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर सकते हैं, जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब आप फेस कर सकते हैं। बट मैंने पर्सनली इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। और अगर आप इसे जो रेगुलर डोज है, जो यहाँ पर रिकमेंडेड डोज है, उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेक श्योर आप इसके रिकमेंडेड डोज को ही फॉलो करें। बट एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स की, ये सर्च ही बताता है, मैं नहीं बता रही, दिस इज अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो भी आपको दिखेगा कि एज सच कोई ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट, बड़ा सा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट दिस छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप रेकमेंडेड डोज को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप नॉन वेज सोर्स से जो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स मिलता है मार्केट में वो आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ओजीवा का ये प्लांट बेस्ड है, दैट्स व्हाई आपको इस तरीके का कोई साइड इफेक्ट फील नहीं होगा। ऑल्सो ये इजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है क्योंकि ये टोटली प्लांट
प्लांट डिराइव्ड है, प्लांट से ही इसके इंग्रेडिएंट्स बने हुए हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है तो परचेसिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से ही परचेज करें। तो मैंने जहां से परचेज किया है मैं उसका ही लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।